कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम घर बैठे बैठे ना बोर हो गया हूँ मैं क्या बोलता हूँ, बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल चलते हैं अनजानी रास्तों पर असली दुनिया को करीब से देखने। हाय, एक्चुअली क्या सॉलिड आइडिया यार, मैं भी थक गई हूँ ये कंप्यूटर के साथ बैठ बैठ के, कमर टेढ़ी हो गई है। आराम से अगर यही काम करती नहीं है ना तो मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेट्स गो यार। हाँ चले चलते तो बस चल, मुंह पे मास्क, जेब में सैनिटाइजर और निकलते हैं। वैसे इंडिया में कुछ सालों से टूरिज्म का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है, टूरिज्म को लेकर जॉब्स भी बहुत बढ़ गए हैं। वैसे टूरिज्म को लेकर कोई स्टार्टअप शुरू करना यंगस्टर्स के लिए कई सारे रास्ते खोल देता है आजकल। जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर अंदर और कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ युवा अपना करियर बना सकते हैं। टिकट बुक करने से लेके लोकल ट्रांसपोर्ट प्लस अकोमोडेशन बुकिंग तक, आप एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ एक स्टार्टअप खोल सकते हैं और अपने करियर को नए आयाम दे सकते हैं। आजकल लोग ना वेकेशन पे होटल से ज्यादा होम स्टे में रहना पसंद करते हैं, यानी किसी और के घर पे, या मतलब किसी आम नागरिक के घर में भुगतान पर मेहमान बनकर रुकना पसंद करते हैं, लोकल ऑटो रिक्शा में घूमना चाहते हैं, लोकल खान पान का सेवन करना चाहते हैं, लोकल फोर्ट और ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं, लोकल ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, घूमने के लिए लोकल गाइड की मदद लेना चाहते हैं। लोगों की पसंद समय के साथ जो है बदल सी चुकी। इसी बात पर हमने दिल्ली के एडवेंचर्स ओवरलैंड एक एडवेंचर टूर कंपनी के साथ बात की। ये लोग आपको बताएंगे कि एडवेंचर कंपनी चलाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं उनसे बातचीत की एक झलक। हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय मदान और मैं वो पहला भारतीय हूँ जो 2010 में लंदन से गाड़ी चलाकर दिल्ली आया था। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जिसने दुनिया की सबसे छोटी कार टाटा नैनो को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला पास जो लद्दाख में है ट्रैक किया। और हम दोनों वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले दुनिया के 50 देशों को 90,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर देखा था। और पिछले कुछ सालों में हमने 16 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं पूरी दुनिया में गाड़ी चलाकर। और हमने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी हैं जिनको पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चलाना कैसे मुमकिन है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलाने के बाद हमने ये सीखा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर प्लेन और ट्रेन से जाना संभव नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका गाड़ी से है। और ये सोचकर संजय और मैंने कंपनी बनाई जिसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। और जो लोग गाड़ी से पूरी दुनिया देखने का सपना रखते हैं, एडवेंचर्स ओवरलैंड उनका वो सपना पूरा करने में उनकी मदद करती है। मुझे लगता है कि टूरिज्म की दुनिया एक विशाल समुंदर जैसी है। जैसा एक किनारे से दूसरा किनारा देखना मुश्किल है, लेकिन जिसने ये बीच का गैप ढूंढ लिया वो टूरिज्म को लेकर एक सफल उद्यम शुरू कर सकता है जहां वो अपने जैसे हजारों लोगों को नौकरी भी दे सकता है और उनकी जिंदगी संवार सकता है। लेकिन कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आपका आइडिया और तरीका बाकी लोगों से अलग है। जैसे मुझे पर्सनली एक चीज नहीं पसंद है कि लोग प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे सुंदर जगह भी बदसूरत बन जाती है। एग्जैक्टली और हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे युवा क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। वे जानते हैं और वे सही और पक्का शोध करना चाहते हैं अपना बिजनेस खोलने के पहले। ऐसे ही दो नौजवानों ने हमसे कुछ सवाल पूछे, आइए देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम आदर्श है, मैं पटना में रहता हूँ और मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं DIY शो से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे जैसे युवा जलवायु परिवर्तन में सुधार करना चाहेंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे।
नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैविक खेती से जलवायु परिवर्तन को कैसे ठीक किया जा सकता है। शुक्रिया। अगर आज के समय में हमारे ऐसे युवा पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा? देखिए आदर्श, पहले तो आपको जागरूक रहना होगा। आप हर रोज हर मिनट जागरूक रहे कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या आप मोटर बाइक या गाड़ी को छोड़कर पैदल या साइकिल पर बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या आप अपना सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने में सक्षम हैं? बिल्कुल हैं। आप अपनी लाइफ में इन छोटी चीज़ों पर गौर करो और एक्शन लो। फिर धीरे धीरे जो भी आपके आसपास हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करो कि वो भी हर पल पर्यावरण हितैषी सोच रखें। शिप्रा, उम्मीद है कि आपने गोइंग टू स्कूल की ग्राफिक नॉवल द लास्ट शो पढ़ी होगी। ये अगर नहीं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वो ग्राफिक नॉवल पहुंचा देंगे। इसमें जैविक खेती के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है। ऑल द बेस्ट। पर्यावरण हितैषी उद्यम शुरू करने के लिए आप उन लोगों से मिलें जो आपके आसपास रहते हैं और एक पर्यावरण हितैषी बिजनेस चलाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ई रिक्शा ड्राइवर, सौर ऊर्जा एनर्जी या कोई महिला उद्यमी। उनसे मिलें, सवाल पूछें, अपनी नोटबुक में बहुत सारे नोट्स बनाएं, उनका इंटरव्यू वीडियो पर लें, उनसे ढेर सारे सवाल पूछें और जानें कि वो कैसे बिजनेस अपना चलाते हैं। अच्छा, हमारे आज के टॉपिक यात्रा और पर्यटन पे लौट जाते हैं। पर्यटन नहीं, पर्यटन। पर्यटन, अरे तन, तन मतलब तन, बदल वाला तन, ये टन है, टन 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 टन, वो वाला पर्यटन। ओके 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 प्रोफेसर साहब, बोलो। यात्रा और पर्यटन, करेक्ट। ओके, लौट जाते हैं हमारे टॉपिक पे, यात्रा और पर्यटन। आज पूरी दुनिया घर बैठे स्टेकेशन मना रही है। स्टेकेशन यानी छुट्टियों का वो समय जब पर्यटक विदेश ना जाकर स्वदेश में रहना पसंद करते हैं, या ऐसा समय छुट्टियों का जब वो घर में रहते हुए दिन के वक्त स्थानीय आकर्षणों का मजा लेते हैं। अगर आपको सही में स्टेकेशन का आनंद लेना है तो सबसे पहले आप जिंदगी में ऑफलाइन चले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन रहने से आपका बहुत समय बर्बाद होता है। जी हाँ, घर बैठकर नए टैलेंट सीखें, जैसे कि बाथरूम में गाने गाना, मतलब बाथरूम साफ करना, केक बेक करना, किताब पढ़ना। लेकिन जिंदगी का असली मजा बाहर जाने में ही है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, समंदर, यही है इंसान के असली दोस्त। टूरिज्म अब एक नया मोड़ ले रहा है जिसका नाम है इको टूरिज्म। होटल्स और गेस्ट हाउसेस से अच्छा किसी लोकल होम स्टे में लोकल फैमिली के साथ रहना बेटर है, अगर वे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करते हो, जहां का लंच लोकल ऑर्गेनिक फार्मिंग में उगे हुए वेजिटेबल से बना हो। और अगर आप कहीं साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो हाथी या घोड़े पे नहीं, पैदल जाओ या फिर कोई साइकिल किराए पर लेकर जाओ, मतलब बनता है ना उसका। सुवनियर्स यानी यादगार तोहफों के रूप में कोई ऐसी वस्तु ना खरीदो जो प्लास्टिक की बनी हो। ये सब फॉलो करने से आप इको टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे और इको हॉलिडे का संदेश सबको देंगे। आज हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है काव्या मदप्पा। आप क्या? तुम काव्या मदप्पा हो? मैं काव्या मदप्पा नहीं हूँ, मैं काव्यल सिदानी हूँ। लेकिन ये जो हमारी गेस्ट है काव्या मदप्पा, ये बहुत ही स्पेशल है। आप इनसे पहले मिले हैं हमारे शो में। वो अपना खुद का एक इको रिसोर्ट चलाती है एक जंगल के अंदर। काव्या सिर्फ ट्री फ्री पेपर ही नहीं बनाती, वो इको रिसोर्ट और इको टूरिज्म को प्रमोट भी करती है। ये है उनकी स्टोरी। 12 साल हो चुका है, यह लगभग 16.5 एकड़ है और हमारे पास 300 प्रजातियों के पौधे हैं और हमारे पास पक्षियों की लगभग 75 प्रजातियां हैं। इस तरह से यह एक अत्यंत पर्यावरण अनुकूल रिजॉर्ट है। हमारे पास सभी प्रकार के पेड़ हैं, मुख्य रूप से फल के पेड़ और मौसमी फल जैसे चीकू, स्टार फ्रूट, कटहल। हमें शहतूत और चंदन के पेड़ भी मिले हैं। आप देख सकते हैं कि यह कावेरी के सामने है, इसलिए यह एक बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ पर रिजॉर्ट बनाया गया है। यह ऊपर से सफ़ेद रंग का है और अंदर काले रंग का है।
ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है जो इन पक्षियों के समान है, लेकिन वे पक्षी सबसे ऊपर सफ़ेद और नीचे काले रंग के होते हैं और यह हमेशा हिलते रहते हैं। आपको हर जगह पे पूरी योजना बनानी होगी। इस तरह की जगह बनाने में आपको कम से कम 3 साल का समय लगेगा। अगर आप आसपास देखोगे तो यह एक हद तक बहुत ही शांत जगह है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बस आपके पास पक्षी है, मधुमक्खियां हैं और उस तरह की चीजें हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि ऐसी जगह आज के समय में मिलना मुश्किल है जहां आप बस थोड़ी देर के लिए आप खुद के साथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रिजॉर्ट के लिए विशेष बात है। सच्चाई तो यह है कि इको टूरिज्म सबसे कम पैसे में शुरू होने वाला बिजनेस है। आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की जरूरत है जो पर्यावरण को इंपॉर्टेंस देती है विद टूरिज्म एज द मेन फैक्टर। स्थानीय संस्कृति और लोगों की मदद से बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इको टूरिज्म को प्रमोट करने का अवसर तो है। सही कहा तुमने केतन, इको टूरिज्म से आप पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को अपने कल्चर, गांव, खाने से अवगत भी करा सकेंगे। तो सोच क्या रहे हो? ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है गांव की औरतों लड़कियों के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें तो रिसर्च करें और पढ़िए ऐसे लोगों के बारे में जो ये अपने गाँव में शुरू कर चुके हैं। अपने गाँव के कई सारे लोगों को अपने इको टूरिज्म बिजनेस प्लान से जोड़िए, उनका रोजगार बढ़ाइए और गांव में नौकरी के अवसर पैदा कीजिए। आपको और प्रेरणा देने के लिए हमारे पास एक कहानी है, आलिया एंड द वांडरिंग शूज, जो बताती है कि आलिया ने एक इको टूरिज्म एडवेंचर कैसे सेटअप किया। ऐसा तजुर्बा जो आपको बोध गया का शानदार अनुभव करवाती है। क्या आप कभी बोध गया गए हैं, जहाँ गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था? माँ ने हमेशा कहा है कि अगर तुम अपने काम से प्यार करती हो एंड यू पुट योर एवरीथिंग टू इट, एक ऐसी शक्ति तुम्हें मिलती है जो कोई भी मुश्किल को आसान करती है। ला 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 ला, स्पेन, इटली, कंबोडिया, यूरोप, मैं आ रही हूँ विथ माई फ्लाइंग शूज। आलिया, हमेशा टूरिस्ट के साथ ही हो, लड़की जैसी रहो। पिताजी, आप नहीं समझेंगे, इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या दोनों फूड और पानी खराब है? इट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में फेंक दिया जाता है और यही सब हम पीते हैं। हमें इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक ऐसी विलेज जो इतनी क्लीन है कि लोग इसे देखने आए हैं। हम भी अपने विलेज को ऐसा बनाएंगे। सब हंस रहे हैं माँ। ये तुम्हारा सपना है आलिया, तुझे फैसला लेना है। कोई हंसेगा तो मतलब यू विल स्टॉप ड्रीमिंग। सुनो सब, हमें फर्टिलाइजर्स बदलने पड़ेंगे, स्विच टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, टोटमो यूई। वक्त है नदी से आगे पूरे विलेज को मजेदार बनाने का। चलो एक ओपन एम्फीथिएटर और बैम्बू टॉयलेट्स बनाते हैं और होटल रूम्स को भी डेकोरेट करते हैं। वी आर द न्यू टू मोटरसाइकिल डायरीज विद आदिया, हमारे विलेज को हर ट्रैवलर के मैप में डालने के बाद। हमारी इको ट्रैवल कंपनी के पास है ऑल वुमेन ट्रैवल गाइड्स की टीम और हमने सेल्फ क्लीनिंग सोलर टॉयलेट्स लगाए हैं विद सस्टेनेबल रहने की जगह और ऑर्गेनिक कैफेज। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप पर और अपने सपनों पर बिलीव करके दृढ़ निश्चय के साथ अपना सपना पूरा किया। ऐसी अद्भुत कहानी, तो मतलब क्या बात है। मेरा कैमरा भी रेडी है कहीं पर जाने के लिए। वाह भाई, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इस कहानी को हाथ से पेंट किया है आर्टिस्ट मिथुन गोपी ने। इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप मन लगाकर काम करें तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो वही भविष्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।
एक कहानी आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। अगर आप इस वक्त स्टेकेशन में हो तो कहानी पढ़ना शुरू कर दो, बहुत अच्छी आदत है। मन कर रहा है मैं बाहर निकल जाऊं, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल ही जाऊं। खैर, इस ग्राफिक नॉवल प्रोजेक्ट में आपको पता लगाना होगा कि आपके गांव या उसके आसपास कोई इको टूरिज्म स्टार्टअप शुरू करने की संभावनाएं हैं क्या। ये पता करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक, आप पता लगाइए कि आपका शहर या गांव किस चीज के लिए जाना जाता है और वहां क्या उगता है। दो, इस जगह की खासियत क्या है, पास ही में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है। और तीन, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो क्यों आते हैं और कहाँ रहते हैं। फिर अगर लोग आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाते हैं, वो कितने पैसे खर्च करते हैं और ऐसी कौन सी लोकल डिशेज हैं जो उन्हें हम दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगर टूरिस्ट नहीं आते हैं तो कुछ अलग हट के सोचना होगा कि ऐसे में क्या प्रमोट करूं जिससे मेरे गांव या शहर में लोगों का घूमना आना शुरू हो जाए। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास एक सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लान होना चाहिए और अलग सोचने की काबिलियत होनी चाहिए। फिर इसके बाद लोगों का इंटरव्यू लीजिए और पूछिए, क्या वो टूरिस्टों के लिए अपना घर खोलेंगे फॉर होम स्टे, क्या वो उनको अपने घर बुलाएंगे चाय नाश्ता करने के लिए या फिर अपनी खेत में उनको घुमाएंगे। अगर उनका जवाब हाँ है तो वो कितने पैसे लेंगे, इसका हिसाब किताब आपको नोट करना होगा। फिर क्या, प्रभु का नाम लेकर शुरू हो जाना है ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, वर्ड ऑफ माउथ एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लान, जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। अगर आपको अपने प्लान पे भरोसा है और लगता है कि ये पूरे गांव के लिए बड़ा अवसर है तो अपने प्लान का एक मिनट का वीडियो बनाकर हमें आपके स्क्रीन पर झलकते हुए फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल तक की है तो हम आपकी मदद करेंगे बिहार में एक नया उद्यम शुरू करने के लिए। हम आपके प्लान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और खाने का फोटो भी भेज दीजिएगा साथ में, क्योंकि मी आई एम अ प्राउड भुक्खड़, बेसिकली फूडी, यू नो। क्या प्राउड भुक्खड़, तुम देख के भूखी लगती हो, पूरी हड्डियां निकली हुई हर साइड से। अरे दैट्स माय एक्सरसाइज यार। इसको कहते हैं भुक्खड़। ये देखो, ये देखो, ये देखो, डबल चिन। ज्यादा नहीं है, कम करो थोड़ा। इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करना कांटों से भरा रास्ता है। आपको हर मोड़ पर कुछ जरूरी फैसले लेने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक या नो प्लास्टिक, क्लीन एनर्जी और नॉट क्लीन, ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक, जो सबसे आखिर तक टिक गया वही सिकंदर। सच्चाई से अपना काम करते रहो, फिर देखना वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है तुम्हारे स्टार्टअप के लिए। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम मत बता देना बस। यही तो वर्ड ऑफ माउथ है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बोलकर सबको बता देना। तुम सही बोल रही हो वैसे, क्योंकि पता है हमारे शो का सवालों के सिलसिले सेगमेंट बहुत पॉपुलर बन गया है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के कारण। बिल्कुल, मैं बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले 500 कॉलर्स को मिलता है एक एक्साइटिंग ग्राफिक नॉवल। तुम्हारी कहाँ है? सेम ही होगी, शेयर कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा अच्छा, तो शुरू करते हैं हम हमारा सवालों के सिलसिले। ओके, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? ग्रेट, तो ध्यान से सुनिए, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? फिर से, यात्रा और पर्यटन का पर्यावरण पे क्या नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव होता है? अगला सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे? फिर से सुनो सवाल, इको टूरिज्म यानी पर्यावरण हितैषी पर्यटन आम पर्यटन से अलग कैसे है? और इसका इतना महत्व क्यों है, यानी कि इको टूरिज्म का इतना महत्व क्यों है? क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है, या एक तरह की कंपनी है, या उसी सेक्टर में कई और अन्य सेक्टर्स हैं? कंफ्यूजिंग लगा तो फिर से एक बार सवाल पूछो। क्या इको टूरिज्म सिर्फ एक सेक्टर यानी क्षेत्र है, या एक तरह की कंपनी है, या उसी सेक्टर में
कई और अन्य सेक्टर्स हैं। इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज क्या हो सकते हैं? फिर से, इको टूरिज्म व्यवसाय में काम करने के लिए क्या कुछ पर्यावरण हितैषी आइडियाज हो सकते हैं? बताइए, ये सच है या झूठ? इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है। क्या इको टूरिज्म आम टूरिज्म से ज्यादा महंगा है? सच या झूठ बताओ। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? और ये हुए आज के सवालों के सिलसिले। आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए, या फिर अपने फोन पर यस ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। तो जल्दी अपना जवाब भेजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मैं हूं केतन सिंह। मैं काव्या सिदानी। चल झूठी कुत्ते की तरह हट आया है। हट। मच गया सोर। हाँ। सारी नगरी रे। हाँ। सारी नगरी रे। हाँ। ठीक है, क्या नहीं और या ना। फाइव मिनट्स क्या? ओके, आई कॉल यू बैक। थैंक यू। कैमरा चालू है केदार ने। ए प्लीज एक काम करो ना। क्या? नीचे जाके कैन यू प्लीज गेट मी सम सैनिटरी पैड्स। आई हैव टू गो ऑन एन अर्जेंट कॉल प्लीज। ये क्या एक्सप्रेशन है? एक तो ये है ना, ये जो पीरियड्स का प्रोसेस है ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, हर लड़की हर औरत के साथ होता है, तो इसका प्लीज़ ऐसे सारे फिल्मी एक्सप्रेशंस ला के हवा बनाना बंद करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग इसको नॉर्मलाइज करें। तुमको पेट में दुखता है, तुम क्रोसिन ले आते हो ना? हाँ, सर में दुखता है ले आते हो ना? इन द सेम वे आई नीड सैनिटरी नैपकिन। प्लीज गो एंड गेट प्लीज क्रोसिन। और वो ये मुद्दा जितनी जल्दी सब समझ जाए ना उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम प्लीज जाके लेके आओ और इको पैड्स लाना प्लीज। इको पैड्स क्या होता है? सब इधर ही बता दूं। हम डिस्कस करेंगे इको पैड्स को हमारे आने वाले शो में जिसका नाम है द युवा उद्यम कौशल शो। अच्छा, मेरा नाम केतन सिंह और मैं काव्यल से दानी। मैं लेके आया इको पैड्स। हाँ, थैंक यू। और मैं रतन प्रिया, आप सभी का ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या आप हमारी तरह यह सोच रहे हैं कि आप 12वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी व्यवसाय करना चाहती या फिर नौकरी करना चाहती या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हैं और यह शो का नाम ग्रीन इंटर्नशिप शो है। हम आपके साथ हैं और आपके जैसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह ग्रीन इंटर्नशिप शो करेंगे। चलिए हम रतन प्रिया से जानते हैं। रतन प्रिया, ग्रीन इंटर्नशिप शो क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ, जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तुम क्या खाती हो रतन प्रिया, इतना कैसे बोल पा रही हो? मैं प्रैक्टिस करती हूँ आदिति, बोलने की प्रैक्टिस। क्या तुमने इंटर्नशिप किया है? नहीं आदिति, मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूँगी। क्या तुम हमें बता सकते हो ग्रीन जॉब क्या होता है? जरूर, यह टिकाऊ है, यह जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, भले ही सीधे तौर पर एक हरे रंग का उद्यम ना हो, जैसे कि तकनीकी व्यवसाय। इस इंटर्नशिप शो में आप ये जानेंगे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या 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 करना पड़ता है और भी बहुत कुछ।
तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहला अनुभव अपने आप का होना चाहिए, ना कि किसी और का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किशनगंज की तरफ, जहाँ पर हमारे दो होस्ट हमें वहाँ पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। और मेरा नाम कहकशा तबस्सुम है। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल बैंकिंग पे इंटर्नशिप करने वाले युवाओं से। तो आइए चलते हैं उन युवाओं के पास। आपके स्कूल में जो इंटर्नशिप आया हुआ है, क्या आप उस इंटर्नशिप को ले रहे हैं? जी हाँ। अगर आप इंटर्नशिप को ले रहे हैं तो वो कौन सा इंटर्नशिप है? मोबाइल बैंकिंग। तो आप मोबाइल बैंकिंग का इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या आप मोबाइल बैंकिंग के बारे में कुछ जानते हैं? मैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब इंटर्नशिप करूँगा मैं उसमें कुछ सीखूँगा। क्या आपने इसके बारे में कहीं रिसर्च किया है? मैंने इसके बारे में लोगों से रिसर्च किया, इससे जानकारी लिया है कि इसमें हम मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग के बारे में हम कुछ सीखेंगे। इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है और हमें यह बात सुनकर बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे स्कूल में यह इंटर्नशिप करने की इजाज़त मिली है और हमें बहुत गर्व है अपने स्कूल में यह इंटर्नशिप हो रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह इंटर्नशिप कितने दिनों का है? जी हाँ, ये इंटर्नशिप 15 दिनों का है। क्या आप अपने दोस्तों से इंटर्नशिप के बारे में क्या क्या सुन रहे हैं? मैं अपने दोस्तों से इंटर्नशिप के बारे में सुन रही हूँ कि ये इंटर्नशिप बहुत अच्छा है। जो दोस्त मेरे ये इंटर्नशिप नहीं सीख रहे, वह भी चाहते हैं कि हम भी ये इंटर्नशिप सीखें। आपको क्या लगता है कि इसे सीखने से आपको क्या उम्मीद है? इसे सीखने से मुझे ये उम्मीद है कि इसके सीखने के बाद हम मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग के बारे में जो भी समस्या होगा उस समस्याओं का हल करेंगे। आपने इस इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या सीखा? हमने इस इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारा चीज सीखा, जैसे पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, खाता खोलना। आप इस इंटर्नशिप में कौन कौन नए कौशल सीखे? मैं इन इंटर्नशिप में बहुत सारे कौशल सीखी, जैसे समय पर काम करना, लोगों की मदद करना, मेहनत करना, आगे बढ़ना, हिसाब किताब करना। आज इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, आपको कैसा लग रहा है? आज इंटर्नशिप का आखिरी दिन है और हमें अच्छा लग रहा है कि हमने इसकी पूरी जानकारी ले ली है। तो आप हमें बता सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान आपको उद्यमी के द्वारा कौन से सुझाव मिली है? हमें उद्यमी से बहुत सारे सुझाव मिले हैं, जैसे अपना OTP नंबर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, अपना ईमेल नंबर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, अपना खाता नंबर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ हम शेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नुकसान होगी। आप हमें अपने इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताएं। ये इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है और यह इंटर्नशिप सीख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस इंटर्नशिप के बारे में मैंने अपने घर वालों को बताया तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि यह इंटर्नशिप बहुत अच्छा है और मैं मोबाइल बैंकिंग सीख रही हूँ और मुझे मोबाइल बैंकिंग सीख के बहुत खुशी हो रही है और मैं यह सीख कर एक दुकान भी खोल सकती हूँ और हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं और हम लोग किसी को भी सिखा सकते हैं यह सीख कर। चलिए अब बात करते हैं उद्यमी से और जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। सर, आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है? इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी है कि आदमी एक डिग्री हासिल करता है, उसके बाद उसको स्किल्ड होना बहुत जरूरी होता है। जब वो स्किल हो जाता है यानी माहिर हो जाता है तो फिर वो उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से, अच्छे मायने में, अच्छे तरीके से कर सकता है, इसीलिए इंटर्नशिप जरूरी है। सर, आप अपने व्यवसाय को शुरू करने वाले इच्छुक युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? सवाल काफी अच्छा है आपका और मैं बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी से आप जुड़िए। लोगों को हुनर के हिसाब से रोजगार को करने की सलाह मैं देना चाहता हूँ और लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जो एजुकेशन को ले रहे हैं साथ में कुछ ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग के साथ साथ अपने हुनर को निखारने का काम कीजिए। यही जो है आम आदमी से खास आदमी बनने पर आपको मजबूर कर देगा। सर, आप इंटर्नशिप करने वाले छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे छात्र जो इंटर्नशिप में भाग ले रहे हैं उनकी एक्टिविटी देख करके हमको ऐसा लगा कि उन्होंने एक नई दुनिया में प्रवेश किया और
ये जितने भी नई चीज़ें हैं उनके सामने आ रहे हैं, इनसे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और उनकी जो जीवन कौशल है और जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, इन कौशलों के द्वारा उन समस्याओं को हल करने में वो सफल हो रहे हैं। सर, आप किन किन कौशलों का इस्तेमाल करते हैं? मेरा कौशल में है जो हम कोई भी काम तकनीक के माध्यम से करते हैं, कोई भी काम रूल से करते हैं। कौशल में ये होता है जो काम 3 दिन में होगा उसको कम से कम समय 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम प्लान के साथ काम करते हैं, पूर्व में हम प्लान लाते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं, पाठ टीका का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के अंदर भी एक अनुशासन डालते हैं, रूटीन लिखने के लिए रूटीन के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ एक एक बच्चे को अपना दिनचर्या के प्रति जागरूक करते हैं। सर, आपकी नज़र में नौकरी अच्छी है या व्यवसाय? फिलहाल तो चूंकि मैं नौकरी में हूं तो मैं कहूंगा कि नौकरी अच्छी है, लेकिन मेरा सही मानना ये है कि वहाँ जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में वो ज़्यादा है, जो कि आप लोग अभी से हासिल कर रहे हैं, आपके सामने और ज़्यादा मौके आएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों का या आप बच्चों का रुझान उधर ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत नौकरी के। सर, आप अपने विद्यालय को संचालित करने के लिए क्या भूमिका निभाते हैं? हाँ, विद्यालय के लिए ये नियम है, जो अपने आप को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक विद्यालय नहीं सुधरेगा, और अपने आप को सुधारने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम एकदम समय से स्कूल आते हैं, अपने आप को अनुशासित ढंग से रखते हैं और बच्चों के अंदर नया सीखने की प्रवृत्ति लाने के लिए जितना भी प्रयास करना पड़ता है, अलग अलग टीचिंग स्किल के माध्यम से बच्चों को नई नई चीज़ सिखाते हैं और बच्चों को अपना सब कुछ, अपने जितने भी मेरे अंदर ज्ञान है उसको देने का प्रयास करते हैं। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्यों मिलनी चाहिए? देखिए, कार्य अनुभव, ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। कार्य अनुभव बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन अगर उनको एक स्कूल में नौकरी चाहिए पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपको DLED होना चाहिए या BEd होना चाहिए, वो एक प्रकार का क्या है, कार्य अनुभव यानी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में अनट्रेंड जो लोग हैं वही लोग बेरोजगार, लेकिन जो लोग ट्रेंड हैं वो उनको आप बेरोजगार नहीं देखेंगे। अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ लिए लिख लिए, लेकिन उनको उन्होंने कंप्यूटर की जानकारी ले ली और वो फिर क्या किए, मोबाइल बैंकिंग की जानकारी ले लिए, तो वो कहीं ट्रस्टेड कंपनी से APS लेकर के कहीं भी बैठ करके व्यवसाय को चला सकते हैं। इसलिए मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी है। ट्रेनिंग क्या होता है, आम आदमी से खास आदमी बनाता है। आज आप लोगों ने बैंकिंग इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया और साथ ही कार्य अनुभव प्राप्त कर इंटर्न से भी आप लोगों ने मिला। अब आपकी बारी, क्या आपने हमें जब कार्य पर देखा तो क्या आपने कुछ सीखा, हमें लिखे और हमें बताएं। अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हमें www.goingtoschool.com पर संपर्क करें, हमें आपके जवाब का इंतजार है। हम आपको 12वीं कक्षा के बाद स्वयं खुद का व्यवसाय और नौकरी शुरू करने में मदद करेंगे। क्या आपने हमारा शो एंजॉय किया? क्या आप ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए साइन अप करना चाहते हैं? तो आप भी अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क करें, हमें अपना नाम, नंबर और आप किस तरह इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमें ये बताएं। हम आज ही आपको ग्राफिक नॉवल थीम की कॉपी भेजेंगे, आपको ग्राफिक नॉवल पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप उससे अपना खुद का ग्रीन उद्यम शुरू कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और मैं रतन प्रिया, आप सभी का ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या आप हमारी तरह यह सोच रहे हैं कि आप 12वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी व्यवसाय करना चाहती हैं या फिर नौकरी करना चाहती हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हैं और यह शो का नाम ग्रीन इंटर्नशिप शो है। हम आपके साथ हैं और आपके जैसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह ग्रीन इंटर्नशिप शो करेंगे। चलिए हम रतन प्रिया से जानते हैं। रतन प्रिया, ग्रीन इंटर्नशिप शो क्या होता है?
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए नौकरी करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तुम क्या खाती हो रतनप्रिया, इतना कैसे बोल पा रही हो? मैं प्रैक्टिस करती हूँ आदिति, बोलने की प्रैक्टिस। क्या तुमने इंटर्नशिप किया है? नहीं आदिति, मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूँगी। क्या तुम हमें बता सकते हो ग्रीन जॉब क्या होता है? जरूर, यह टिकाऊ है, यह जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, भले ही सीधे तौर पर एक हरे रंग का उद्यम ना हो, जैसे कि तकनीकी व्यवसाय। इस इंटर्नशिप शो में आप ये जानेंगे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या 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 करना पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहला अनुभव अपने आप का होना चाहिए, ना कि किसी और का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पर हमारे दो होस्ट हमें वहाँ पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम श्रेया कुमारी है और मैं आपके दोस्त ज्योति कुमारी, और आज हम पटना में हैं कुसुम पुष्प नर्सरी में, जहाँ के बच्चे नर्सरी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, और उनसे हम जानेंगे कि नर्सरी में ही इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं और जानेंगे कि इससे करने से हमें क्या लाभ है और जलवायु परिवर्तन में क्या लाभ हो सकता है। तो क्या नर्सरी इंटर्नशिप करने से जलवायु के प्रभाव को कम किया जा सकता है? चलिए हम इन बच्चों से जानते हैं। हेलो, मेरा नाम श्रेया कुमारी है। हेलो, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। आप कौन सी कक्षा में हो? 9th कक्षा में हो। आप कौन से जिले में हो? पटने जिले से हो। ओ, तो आप नर्सरी इंटर्नशिप पर है? जी हाँ, मैं नर्सरी इंटर्नशिप पर। तो आप इस पेशे के बारे में क्या जानती हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने सीखा है, बस प्लांटिंग रिपोर्टिंग करना मैंने बहुत अच्छे तरह से सीखा है। तो आपने कभी शोध किया? हाँ किया है। तो क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि पेड़ पौधों को कैसे लगाया जाता है। तो ये इंटर्नशिप कितने दिनों का है? ये इंटर्नशिप 10 दिनों का है। क्या आपको सीखने के लिए पर्याप्त है? हाँ, हम सीखने के लिए पर्याप्त हैं, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोग का ज़्यादा दिन रहता है तो ज़्यादा कुछ सीखते हैं। इस इंटर्नशिप को करने से आपको क्या सीखने की उम्मीद है? ये इंटर्नशिप करने से हमें आगे जाके खुद का व्यवसाय करने के लिए इंटरेस्टिंग। हाँ, तो आप नर्वस हो? जी हाँ, मैं नर्वस हुई थी फर्स्ट डे, नए जगह पे नए लोग मिलेंगे, कैसे व्यवहार होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, तो मुझे नर्वस हुआ था थोड़ा, पर अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या कौशल सीखे? हमने कौशल सीखा नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, पेड़ को कटिंग कैसे करा जाता है, और पेड़ पपीता और बैंगन का पेड़ जब लगाते हैं हमेशा नर और मादी लगाया जाता है। आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, हमने ये 10 दिन में बहुत कुछ सीख लिए हैं। अब तो आप अपने दोस्तों से क्या सुन रहे हैं? हम अपने दोस्तों से यह सुन रहे हैं कि यह इंटर्नशिप अगर अगली बार होगा तो हम उन्हें ज़रूर बताएं, ताकि वो भी आगे जाके यह इंटर्नशिप कर सकें। तो आप हमें बता सकते हैं कि जो आप इस इंटर्नशिप पे सीखना चाहें जो नहीं सीखें? हाँ, हम बता सकते हैं, जो हमें सीखना चाहिए हम उससे बेहतर इस इंटर्नशिप में सीखें। अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को आप क्या सलाह देंगे? हम उन्हें यह सलाह देंगे कि उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने से अधिक पेड़ पौधा लगाएं, उन्हें पेड़ पौधों को काटना नहीं है। युवाओं के इंटर्नशिप पर कार्य और उसके अनुभव क्यों मिलना चाहिए? उन्हें अनुभव यह मिलना चाहिए कि वो हर काम को बेहतर कर सके। चलिए बात करते हैं हम उद्यमी से और जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। आपने ये व्यवसाय कैसे शुरू किया और कृपया हमें संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, हमने ये व्यवसाय शुरू किया, पहले मैंने 3-4 जगह गार्डन में गए, घरों में गए, वहाँ काम किए, उसके बाद किसी नर्सरी में गए, 2-4 जगह नर्सरी से आए, वहाँ कुछ सीखने को मिला, हमको पौधा लगाने को मिला, और उस पौधा से हमको ये फ़ायदा मिला कि अगल बगल अगर पौधा लगता है तो प्रदूषण जो हमारे देश में हमारे घरों के पास
राज्य में फैल रहा है, उस प्रदूषण को हम लोग पौधा लगाएंगे तो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम इस व्यवसाय में जुड़ गए और इसमें बेनिफिट भी है, इससे हमको बिजनेस का भी पर्पस मिलता है तो पैसा हमको आता भी है और लोगों को ऑक्सीजन मिलता है और प्रदूषण दूषित नहीं होता है। जो नर्सरी इंटर्नशिप के बारे में समझ से आपसे कुछ राय चाहिए। अच्छा, नर्सरी इंटर्नशिप जो आप लोग कर रहे हैं, ये जैसे ही मैं सुना कि यहाँ नर्सरी इंटर्नशिप हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद नर्सरी से मतलब जुड़ा रहा हूँ और प्रभावित हूँ। ये बच्चियाँ जो शहरों से कस्बों से जहाँ तहाँ से आए हैं, जो कि उस नर्सरी से कोई उनका तालुकात नहीं है, अगर ये कोर्स के तहत इस इंटर्नशिप के तहत वो जाते हैं और उस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलता है, एक तरह से बच्चों के परिपूर्ण और संपूर्ण जो ज्ञान कहेंगे आपका वो विकसित होगा और आप भी इस प्रकृति से नेचर से जुड़ पाएंगे, प्रकृति को आगे बढ़ा पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। तो ये मेरे लिए तो बहुत मतलब मेरे लिए व्यक्तिगत उन्हें बहुत अच्छा मुझको लगा, मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगा और आगे विद्यालय के लिए भी बच्चों के लिए भी तो अच्छा होगा। कैसे करते हैं? हमने छात्रों का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं कि कुछ छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं, 10 बच्चे 15 बच्चे आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद सर्टिफाइड होते हैं, ये जानकारी मिल गई उनको, इस आधार पर हम लोग बच्चों को मूल्यांकन करते हैं। तो सर, हम अपना नर्सरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये कितने दिनों में सीख सकते हैं ताकि हम अपना खुद का नर्सरी का व्यवसाय शुरू कर सकें? कम से कम आपको इसमें 2 महीना लग जाएंगे ताकि आप सारा चीज़ इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको, कैसे बीज को उगाना है, फिर उसको कैसे रिपोर्टिंग करना है, फिर उसको कैसे तैयार करना है, तब जाके आपको कम से कम 2 महीना लगेंगे, तब जाके आपको इसको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तब आप अपना नर्सरी खोल सकते हैं और चला सकते हैं, तब आप दूसरे को बता सकते हैं। इसलिए पहले आपको 2 महीना ट्रेनिंग देना होगा बढ़िया से और तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तब आगे चल के आप अपना नर्सरी खोल के और चला सकते हैं और दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि दूसरा भी इससे जुड़ सके और जितना से जितना पौधा लगा सके। ये आपके लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है, ये पूरे पर्यावरण के लिए फायदा है, ये आप इसी तरह का ही चला के खोल सकते हैं। सर, तो इससे हमें कुछ नुकसान भी है? नहीं, इससे बाबू आप किसी को कोई नुकसान नहीं है, इससे ज़्यादा फायदे मिलेगा और इससे नुकसान का तो इसमें कोई चांस आता नहीं है, क्योंकि आप तो पेड़ पौधा लगा रहे हैं और पेड़ पौधा लगाना तो ये सदियों से चालू है, ये बीच में ना कट रहा है, बहुत पौधा कट गया, रोड बन गया, तो इससे तो कम हो गया पेड़ पौधा, आप तो शुरू कर रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें जहाँ तक आपको ऑक्सीजन बहुत सुंदर मिलेगा और स्वच्छ हवा मिलेगा, इसलिए इसमें कोई नुकसान आने की गुंजाइश कहीं से भी नहीं। लोगों ने नर्सरी एंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया और साथ ही कार्य अनुभव प्राप्त कर इंटर्न से भी आप लोगों ने मिला, तो अब आपकी बारी, आप हमें बताएं कि आपने हमें कार्य पर देखते हुए कुछ सीखा और अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हमें www.goingtoschool.com पर हमें संपर्क करें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा और हम आपको 12वीं कक्षा के बाद खुद का व्यवसाय शुरू करने में और नौकरी करने में मदद करेंगे। क्या आपने हमारा शो एंजॉय किया? क्या आप ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए साइन अप करना चाहते हैं? तो आप ही के अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क करें, हमें अपना नाम, नंबर और आप किस इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमें ये बताएं, हम आज ही आपको ग्राफिक नॉवल थीम की कॉपी भेजेंगे, आपको ग्राफिक नॉवल पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप उससे अपना खुद का ग्रीन उद्यम शुरू कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय। नमस्कार, मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है युवा महिला उद्यमी बने। कोई भी बिजनेस उतना ही सक्सेसफुल होता है जितनी उसकी मार्केटिंग। बिजनेस बिना मार्केटिंग समझिए मछली बिन पानी।
आज की युवा नारी मार्केटिंग में सक्षम बन के ही एक सक्सेसफुल ग्रीन एंटरप्रेन्योर बन सकती है, और इसीलिए आज हमारे साथ है मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की महारथी ओरेकल में काम करने वाली सिमी जोशी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल सिमी जी मेरा आपसे ये है कि आप ओरेकल फॉर स्टार्टअप्स एज मार्केटिंग एंड इवेंट्स लीड के तौर पर काम करती हैं, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। बिल्कुल, ओरेकल फॉर स्टार्टअप्स ये ओरेकल कॉर्पोरेशन का एक प्रोग्राम है। हम लोग इसमें स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं और ओरेकल फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम का मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के जगह जगह जाती हूँ, अपने प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ, जैसे कि आज मैं आप सब लोगों के साथ बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि लोग अपना बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं लेकिन वो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, और क्योंकि आप इस फील्ड में है तो शायद आपसे अच्छा हमें कौन बता पाएगा कि मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है एक बिजनेस के लिए। बिल्कुल, मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्टार्टअप्स जो है दर्शकों के सामने अपना प्रोडक्ट रखते हैं और उन दर्शकों से अपना रिश्ता बनाते हैं। यह ग्राहकों को आपके वेबसाइट के बारे में जानकारी देता है जो कि ग्राहक शायद आपके बारे में ना जानते हों। सो सोशल मीडिया इस तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए, और कम्युनिकेशन जो आपने पूछा वो तो भी बहुत ज़रूरी है। एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए सबसे अच्छा एक वो है कि आपको कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। जी जी जी। तो यहाँ पे एक और मेरा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे कि जब कोई अपना नया बिजनेस शुरू करता है या कोई एक स्टार्टअप शुरू करता है तो उसका सही तरीके से मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे किया जाए, कैसे ढूंढा जाए कि अच्छा ये मार्केटिंग है जो मुझे करनी है अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, सबसे पहला है कि आप अपना टारगेट मार्केट या अपना बाजार पहचानें। इससे पहले आप कुछ भी काम शुरू करें आपको यह तय करना है कि आपका प्रोडक्ट या आप जो सेवाएं बेच रहे हैं वो किसको बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कपड़े बेच रहे हैं, आप क्या ये आप सभी उम्र के पुरुषों को, स्त्रियों को और बच्चों को बेच रहे हैं या ये एक सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों के लिए जा रहा है। तो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को, अपने टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट करना है, आप विज्ञापन सिर्फ उन्हीं लोग को बनाना है। आप अपनी मार्केटिंग के लिए क्या करें, आप लोगों से इंटरव्यू करें, आप लोगों को अपना प्रोडक्ट जो है ट्राई करने को दें, आप लोगों को बताएं कि भी आपके आप अपने कॉम्पिटिटर से, प्रतिद्वंदियों से कैसे बेहतर हैं। सबसे पहले शुरुआत करें अपनी वेबसाइट बनाकर, सबसे अधिक से अधिक सोशल मीडिया चैनल्स में अपना प्रोफाइल बनाएं। सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब। सो और आप सोशल मीडिया चैनल्स में ना विज्ञापनों में भी थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। फिलहाल के लिए सिमी जी, यहाँ पे बिहार से एक युवा महिला है जो कि जुड़ी है हमारे साथ, जिनका आपसे एक सवाल है। मैं यह सवाल करना चाहती हूँ कि एक स्टार्टअप से होने वाली सबसे कॉमन गलती क्या है। सबसे ज्यादा जो रीजन है स्टार्टअप कंपनीज के असफल होने का वो है कि वो जो पेशकश कर रहे हैं बाजार में उसकी आवश्यकता नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट फिट, कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके मार्केटिंग में जरूरत है या नहीं। और दूसरा उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफ मनी नहीं है, पैसा कम हो गया, पैसा खत्म हो गया, नॉट इनफ मनी। तो यह पता लगाना बहुत आवश्यक है कि आपके व्यवसाय के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ व्यवसाय स्टार्ट करने में बल्कि उसको सेटल होने में। एक व्यवसाय को सेटल होने में 1 या 2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे समीर जी, जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे भारत में, हमारे देश में ऐसी बहुत सी युवा महिलाएं हैं जो कि अपना अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, ग्रीन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, तो ऐसे में उन यंग लड़कियों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। देखिये, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि अपना जो भी व्यापार चलाना चाह रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आप जानकारी लें। आप ऐसे लोगों को चुने जिन्होंने वो काम पहले से कर रखा है, वो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आजकल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रोग्राम्स हैं जो कि यंग एंटरप्रेनर्स को हेल्प करते हैं। आई एम श्योर कि जो भी हमने अभी चीजें डिस्कस करी, जितनी भी आपने टिप्स दी अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हुए, और जो भी हमारे दर्शक इस टाइम पे देख रहे हैं, बहुत यूजफुल होंगी इनके लिए जब आप अपना एंटरप्राइज शुरू करने वाले होंगे या कर चुके होंगे और वो इनिशियल स्टेजेस में होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू आपको।
तो अगर आप बिहार में रहने वाली 18 से 23 वर्ष की युवा महिला हैं और आप अपना खुद का ग्रीन एंटरप्राइज खोलना चाहती हैं या फिर उसको अगले मुकाम तक लेके जाना चाहती हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें और अपना आइडिया हमें पिच करें। फिलहाल के लिए मैं आशा चलती हूँ, लौटूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद, अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।